सो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आईटेल के P55 फोन के बारे में एंड इसका अपना टॉपिक करना लगे इसके अपने फोन में कैमरे की गाइस प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर गाइस आपके फोन में भी काफी सारी गाइस प्रॉब्लम आ रही कैमरे में, देन आपके फोन का गाइस जो कैमरा तो ऑन नहीं हो रहा है, देन आपको भी अपने फोन में गाइस काफी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कैमरे की सेटिंग में या फिर गाइस कैमरे में, तो आप सभी को कैसे ठीक करेंगे ओनली 2 मिनट में। तो चलिए जानते हैं, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं अपने फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सो गाइज मैं आपको आज की इस वीडियो में ऐसे दो ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, कैमरे पे क्लिक करके रखना है कुछ इस प्रकार से। फिर गाइज आपको इसके ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। यहाँ पे गाइज आपको देखिए ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइज आपको देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर का एंड आपको क्लियर कैच का। आपको गाइज यहाँ पे दोनों पे क्लिक करके इसका जो डाटा रहता है क्लियर कर लेना है। उसके बाद गाइज आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी कैमरे में, आप बिल्कुल भी नहीं आएगी। या फिर गाइज अगर आपके फ़ोन का जो कैमरे वाला ऐप था हैंग कर रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब गाइज आपको एक और ट्रिक बताऊँगा, आपको क्या करना है कैमरे पर क्लिक करना है। फिर गाइज आपको इसके कैमरे की सेटिंग में चले जाना है कुछ इस प्रकार से। नीचे में गाइज आपको रिस्टोर डिफॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके कैमरे की गाइज सेटिंग को रिसेट कर लेंगे। उसके बाद भी गाइज आपके फ़ोन की जो प्रॉब्लम थी सारी की सारी ठीक हो जाएगी कैमरे से रिलेटेड वाली। एक बार गाइज आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ या फिर रिसेट कर लेना है, तो आप उससे भी अपने फ़ोन की प्रॉब्लम ठीक कर पाएंगे कैमरे वाली या फिर अदर कोई भी जो भी प्रॉब्लम थी। कोई दिक्कत जा रही गाइज तो कॉमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स का, तब तक ले हुआ है।